हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू KDP ऑनलाइन क्लासेस। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वह चैप्टर क्लास सेकंड और थर्ड हिंदी ग्रामर की बुक में है। दोनों ही बुक में वो सेम ही चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है वर्ण और शब्द। आज हम वर्ण और शब्द शब्दों के बारे में जानेंगे। देखो बच्चों, एक होती है ध्वनि, एक होते हैं शब्द। शब्दों को हम लिख सकते हैं और ध्वनि को जरूरी नहीं है कि लिखा जाए। एग्जाम्पल, जब बच्चा छोटा होता है तो वह अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकालता है, आ ब ब ज ब ब, और पता नहीं वो अपनी ही एक नई भाषा को ईजाद कर लेता है और वो उसी में बोलता रहता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसे शब्दों का पता चलता है, उसकी माँ, उसके दादाजी, उसके पिता, उसके बड़े भाई बहन उसे शब्दों के बारे में बताते हैं, ये फूल है, ये पानी है, ये पंखा है, ये टीवी है, ये मोबाइल है, और वो उसके बारे में जानने लग जाता है। तो आज हम उसी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं वर्ण। वर्ण क्या है? वर्ण वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। शब्दों के टुकड़े किए जा सकते हैं लेकिन वर्ण एक ऐसी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे हम एक वर्ड लेते हैं अच्छा। अच्छा इस शब्द में चार ध्वनियां हैं, अ, च, छ और आ की। इनके मेल से ही अच्छा शब्द बनता है। मैं एक यहां पर एक एग्जांपल और देना चाहूंगा। मैंने वर्ड लिखा राम, तो इस राम के अंदर रह है, रह के साथ आ की मात्रा है, आ की मात्रा के बाद मैं है और मैं के बाद ए है। प्रत्येक व्यंजन के साथ एक स्वर होता है और स्वर की अपनी अलग अलग मात्राएं होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो रे जो नीचे मैंने हलंत लगाया है इसे हलंत बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी इसके साथ कोई भी व्यंजन, सॉरी, कोई भी स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। जब स्वर जुड़ता है तो एक अक्षर बनता है। रे के साथ अगर हम आ जोड़ते हैं तो वह रा बनता है, और इस मैं के साथ ए जोड़ेंगे तो ये मैं बनेगा, तो ये बन जाएगा राम। अब हम पढ़ते हैं वर्ण कि वर्ण के प्रकार कितने होते हैं। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। तो देखो स्वर क्या होता है, स्वरों के उच्चारण के लिए किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। 11 स्वर कौन कौन से हैं? ए आ ई ई ऊ ऊ री ए ऐ और ओ औ, ये 11 स्वर हैं। व्यंजन, स्वर क्यों जरूरी है? स्वर व्यंजनों के लिए जरूरी है। देखो व्यंजन क्या है, स्वरों की सहायता से व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है। हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन है। 33 व्यंजन कौन कौन से हैं? जो हम नर्सरी LKG UKG में फर्स्ट पढ़ते हैं, क ख ग घ च छ ज ज्ञ ट ठ ड ड ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स स स ह क्षत्रिय ज्ञ। ये जो जिसको हम क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग ये बोलते हैं, ये ही व्यंजन हैं। अब स्वर क्यों जरूरी है? इन व्यंजनों के लिए जरूरी है क्योंकि कोई भी व्यंजन स्वरों के बिना अधूरा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि प्रत्येक व्यंजन जो है वह स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। अगर स्वर न हो तो हम व्यंजनों को बोल नहीं सकते। स्वर कितने हैं? 11 हैं। इन 11 की प्रत्येक स्वर की अपनी अलग एक मात्रा है। वो मात्राएं कौन सी है अभी हम आगे पढ़ेंगे। बारखड़ी जब हम पढ़ते हैं तो बारखड़ी के अंदर
के का कह के आ की मात्रा लगती है, फिर कु कु के कई को कौ कंग कह, ये जो पढ़ते हैं ये सारी मात्राएं होती है। मात्राएं स्वरों से बनी होती है और उन्हीं मात्राओं की सहायता से व्यंजनों को पढ़ा जाता है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था राम का, हम एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया भीम, तो भीम के साथ हम देखते हैं भीम शब्द में कि भय के साथ बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है और मैं के साथ ए जुड़ा हुआ है। तो अब इनको अगर जोड़ेंगे तो भीम शब्द बनेगा। कैसे? भय के साथ बड़ी ई की मात्रा जोड़ी, भी बन गया, और मैं के साथ ए को जोड़ा तो ये मैं बन गया, और दोनों को साथ में जोड़ा तो भीम शब्द बन गया। तो व्यंजनों को पढ़ने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। अब आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन अभी इसी चैप्टर से जुड़े हुए जितना हमने पढ़ा है उससे जुड़े हुए कुछ दो तीन एक मैं आपको क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ, क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो आपको अपनी होमवर्क वाली नोटबुक में करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो चैप्टर सेकंड पढ़ा है वर्ण और शब्द, उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस जो अभी मैंने आपको इस ऑनलाइन क्लास में आपको बताया है, उनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हैं जो अभी मैं आपको दे रहा हूँ एज ए होमवर्क, ये आपको आपकी होमवर्क वाली नोटबुक में करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, वर्ण के कितने भेद हैं? थर्ड क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने स्वर हैं? फोर्थ क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? और फिफ्थ क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, ये पांच के पांच क्वेश्चन आपको आपकी हिंदी जो आप होमवर्क कर रहे हो जिस नोटबुक में, उसी में आपको करने हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, घर में रहें, अपने छत पर पक्षियों के लिए पानी रखें।